का कैंपस में आज एग्रो ट्रेड 2018 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम चल रहा है, उसी में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप गुप्ता जी जो एयर के आई केयर इंडिया के मिशन लीडर हैं। सीधे बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आज ये प्रोग्राम जो चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो एग्रो वर्ल्ड 2018 यहाँ पे जो IRI कैंपस में फिजिकल रहा है, उसमें आई केयर इंडिया की तरफ से हमको यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मौका मिला और आज ये यहाँ पे जो हमने 5G एग्रीकल्चर को प्रेजेंटेशन किया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो पॉसिबिलिटीज को डिस्कशन किया गया कि कैसे हम जो रूरल यूथ है इसके पास काम करने की अपार संभावनाएँ हैं, एनर्जी है, उसको हम कैसे उसकी एनर्जी को कैसे लेवरेज करते हुए उसको हम फिजिकल टेक्नोलॉजी को फार्मिंग में कैसे यूज कराते हुए फार्मर्स को क्लस्टरिंग करने में हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में उनका भी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि वो एक इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आएँ, वो फार्मिंग में इंटरप्रेन्योर्स बनें। सर क्या कहना चाहेंगे यूथ को, आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, ये तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यानी कि एक सेफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिससे कि हम भारतीयों में जो कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं उसको कम किया जा सके और साथ में वो निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी के साथ डेवलपमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट करें और ख़ासतौर पर फार्मिंग में जो कि उनका मेन बेस है और शहरों में पलायन करने की जगह गांव में फार्मिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को लेटेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए खुद और जो उनके साथी किसान भाई हैं उनको उससे ट्रेन करते हुए हम ये एग्रीकल्चर जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो कंट्री है जो एक कृषि प्रधान देश है इसको हम कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़ा सकते हैं। So as Mr. Modi said that I am leading basically this I Care India organization. It is a social organization, and so far we are working in the area of education, primary education, and mainly focusing the rural areas of Uttar Pradesh. And by working with the farmers, mainly the farmers there, we get the ability to participate into the agriculture as well. And from there, this village window comes into the picture that is focusing on the organic farming. I think many of our speakers have mentioned about how we can use the technology, how we can improve the commerce system, how we can enhance the livelihood of the farmers, doubling the income of the farmers. But the another very important threatening is in India is excessive use of the pesticides. And here in New Delhi already all the report says that most of the agriculture produce coming from the Yamuna River is unsafe to eat. So our focus is organic produce and how we can use that organic produce that can improve the livelihood of the farmers as well, because we are a social organization and not a pure commercial organization. So challenges exist across every phase of the agriculture life cycle, like pre-cultivation, cultivation, post-harvesting. Major challenges are logistics for the small farmers, because most of the farmers are small farmers. They have agriculture base not more than 1 acre or 2 acres.